गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में रासायनिक परिगतिकी का जो आपका टॉपिक चल रहा है, लास्ट टाइम हमने अर्ध आयु पर चर्चा की थी, अर्ध आयुकाल। और अर्ध आयुकाल आप किसी भी प्रकार की जो अभिक्रिया की कोटियां या कोटि अभिक्रिया है उनके लागू कर सकते हैं। अर्ध का मतलब आपको पता है हाफ, आधा। आयु का मतलब होता है समय, कि जिस समय में जो आपकी अभिक्रियाएं हैं उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग अपघटित हो जाता है, वो अर्धायुकाल कहलाती है। इस पर हमने चर्चा करनी थी। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे, बड़े सिंपल हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करते हैं। पहला लिखेंगे कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया, कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया 20 मिनट में 75% पूर्ण होती है। चिंतन प्रतिशत पूर्ण होती है तो अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये आपका एक न्यूमेरिकल से सवाल है। देखिए, कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया 20 मिनट में 75% पूर्ण होती है। कितना पूर्ण होती है? 75% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात यह है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। यदि हम इसका सॉल्यूशन करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में आपने देखा कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक था वो क्या निकल के आया था, k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। देखो जहां क्या था, जहां x बराबर क्या था भाई, t समय पर अभिकारक की अपघटित होने वाली मात्रा या भाग कह सकते हैं इसको, एक ही बात है, ठीक। तो ये आपका वेग स्थिरांक या वेग व्यंजक था प्रथम कोटि अभिक्रिया। यहां पे दिया क्या है कि 20 मिनट में, तो टाइम दे रखा है 20 मिनट, 75% पूर्ण होती है। यहां पे समझने की बात है, 75% पूर्ण होती है तो एक्स का मान हम यहां से निकाल सकते हैं कि 75% पूर्ण हो गई, शेष कितना बच गया वो, ठीक है ना। तो यहां से हम निकाल देंगे, तो एक्स का मान यहां पे क्या है, एक्स का मान यहां पे आपका क्या होगा, 75 अपघटित होने वाली मात्रा कितनी है, 75%। देखो 75% पूर्ण होती है, और यहां पर हमने देखा है कि एक्स बराबर टी समय में अभिकारक की अपघटित होने वाली मात्रा, अपघटित कितनी होगी, 75%, ठीक। ये हो गया, आप इसका मान इसमें रखेंगे तो k बराबर 2.303 अपॉन dt का मान आपका 20 log बेस 10 a का मान, a प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लेते हैं, तो 100 माइनस 75, ठीक है, ये आ गया। k बराबर 2.303 20 log बेस 10 100 अपॉन 25 और 25 चौका 100, ठीक है, क्या हो गया, k बराबर 2.303 log बेस 10, इसको जो 4 आया है यहाँ पे
इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की घात 2। और ये आपको पता है कि जब भी लोग में x की घात y होती है तो y चला जाता है आगे को, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका k बराबर 2.303 दो लोग इनको कर सकते हैं 10 रेस। और आपको पता है लोग 2 का मान कितना होता है, लोग बेस 10 2 का मान होता है 0.30 का, ये हमें पता है। रखेंगे मान, तो यहाँ से आ जाएगा के बराबर 2.303 × 2/30 10। ठीक है, ये आ गया, ये मान आपका आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको यही रखें, इसको यहां तक रखें, सोल्व नहीं करें, और सोल्व करना है तो आप यहां से काट सकते हैं 2 को 20 से काटेंगे 10,000, या आप इसको ऐसे रख सकते हैं समीकरण। ठीक, तो ये आपका के का मान आ गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। यदि कोई 20 मिनट में 75% पूर्ण होती है तो उसका जो वेग स्थिरांक है वो ये आ। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या कह रहा है कि तो अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। दूसरी बात क्या कह रहा है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ये आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक कार्बनिक सांद्रता 100% थी, मतलब जब अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुई अभिकारक की सांद्रता 100%, टाइम आपको दे रखा है 20 मिनट, अपघटित होने वाली मात्रा 75% है, तो यहाँ पे 75 हो गए, यहाँ पे इसका मान टप टप करेंगे तो आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया पहला। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कहता है 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब ए का मान हुई आपका 100, एक्स का मान आपका 50, पूछ क्या रहा है वो समय। ठीक है, समय पूछता है, तो यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं ट्रांसफर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 / k लोग बेस 10 के माइनस एक्स मान रखेंगे। देखो k का मान क्या है था? अभी 2.303 / 10 × 20 × 2 × 0.30 10। k का मान अपने पास में रहा, a का मान अपने पास रहा, a माइनस x x का मान अपने पास रहा, तो t का मान निकाल सकते हैं, मान रखेंगे t बराबर 2.30 10। k का मान क्या रखेंगे 2.303 × 2 × 0.30 10। ठीक है, ये आ गया। और आगे क्या है आपका लोग इंटू, या फिर हम सीधे कर सकते हैं लोग 10 100 100 - 50 टी बराबर। अब देखिए इसका थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन जब आप इसका करेंगे तो 2.303 से कैंसिल। ठीक है, तो यहां बच गया आपका 1/20 चला जाएगा अपॉन 2 × 0.30 10 लोग 10 × 50, तो 50 × 100 हो जाए, तो यहां से आ जाएगा टी बराबर 20 2 × 0.30 10 लोग 10 की बेस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा टी बराबर 2 × 0.30 10, और आपको पता है लॉग 10
सो टेन इज टू का मान होता है 0.30। तो यहाँ पे मान रखेंगे इंटू 0.30 और 30+ से 30+ कैंसिल, 20 में 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 10 मिनट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 50% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है। कोई अभिक्रिया 20 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो उसका यदि आप 50% अपघटित करेंगे, 50% पूर्ण करेंगे, तो उसमें 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं जो पेपर में आते हैं, बड़े ही सिंपल, थोड़ा सा सीक्वेंस टू सीक्वेंस चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और इस तरह हम समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल्स था, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो एक बार जब हम कोई भी समस्या सॉल्व करते हैं तो एक बार उसको हम ध्यान से देखते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है, और जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है, तो निश्चित उस समस्या का समाधान हम खोज निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सवाल है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय 20 मिनट है, तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करें। ठीक, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ज्यादा समस्या नहीं है, वही देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, सिंपल सा सवाल है, 50% पूर्ण हो रही है, मतलब अपघटित हो रही है, और टाइम दे रखा है 20 मिनट, और वे स्थिरांक का मान पूछ रहा है, मतलब के का मान पूछ रहा है। तो आपको दिया क्या है, दिया है टी बराबर 20 मिनट और एक्स का मान दे रखा है 90%। याद क्या करना है, याद करना है के का मान, वे स्थिरांक। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर होता है 2.303/t log बेस 10 a माइनस एक्स। यहाँ पे a हमारे पास में जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 100। ठीक है, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो उसकी सांद्रता क्या होती है, 100। ठीक, मान रखेंगे के बराबर 2.303, टी का मान रखेंगे 20, लॉग बेस 10 ए का मान 100 माइनस 90 क्या आ गया, के बराबर 2.303/20 लॉग बेस 10 बटे 10 10 बाई 100। और ये आपको पता है लॉग बेस 10 10 का मान 1 होता है, लॉग बेस 10 100 का मान 2 होता है, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे 1000 का मान 3 होता है। तो यहाँ पे आपके पास में लॉग बेस 10
दस बराबर मान हो जाएगा एक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बराबर 2.303/3। सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, सॉल्व करते हैं इसको, दो दो पॉइंट पांच, नीचे एक चार, चार के बाद लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, ये मान आ गया सर 0.01151, ठीक है, या सॉरी ये आ जाएगा इसका 0.1151। और प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो यहाँ पर आपको पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया व्यंजक स्थिरांक जो होता है सेकंड इनवर्स होता है, लेकिन टाइम यहाँ पे दे रखा है मिनट में, इसीलिए इसे बोल देंगे मिनट में। तो यहाँ पे ये आपका वे स्थिरांक करके आता है, ठीक है, तो ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इन समस्याओं का समाधान निकालते हैं। अभी और देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपका, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो वेग स्थिरांक ज्ञात करें। तो भैया इसका भी वेग स्थिरांक आपको याद करना है। और सवाल देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो वेग स्थिरांक याद करना है। यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा है पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता जो आपको पता होता है एकदम संख्या प्रारंभ नहीं होती है तो उसको हम क्या मानते हैं इसको, तो यहाँ पे आधी रह गई है तो इसका मतलब घटित होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या है 50 है। तो दिया है टाइम दे रखा है 50 सेकंड, प्रारंभिक सांद्रता आपकी 100 है, अपघटित होने वाली आधी रह रही है तो यहाँ पे 50 रह जाएगी, ठीक है। और याद करना है आपको k का मान, तो देखिए ये वैल्यूज आपके पास है, हमें ये पता चल गया कि हमें कहाँ तक जाना है तो हम निश्चित इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं 2.303/t log tan a माइनस x, इस फॉर्मूले से हम इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। और आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है, तो ये आपके लिए h बन गया, मैंने बता दिया है
वैल्यू तो आपको निकाल दी है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो बता दिया है, वैल्यूज या मान आपका निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए आपको करना है। थैंक्स। आज के लिए।